चार मीनार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुतालिका रुकन असेंबली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मुतालिका रुकन बल्दिया और हैदराबादी पार्लिमानी हल्के में हल्के असेंबली चार मीनार और चार मीनार हल्के में पुराना पुल वार्ड में 3 करोड़ 7 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इसमें सीमेंट रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और ड्रेनेज लाइन के पूरे कामों का इफ्तिताह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 1.5 घंटे से मैं मुतालिका रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान साहब, हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मौजूद सदर मोतमदी अराकीन बल्दिया, इन 3 करोड़ 7 लाख के कामों का इफ्तिताह किए हैं। पूरा पैदल दौरा हुआ है पुराना पुल म्यूनसिपल डिवीज़न में और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मैंने खुद जाकर मुतालिका वज़ीर बल्दिया MLUD के मिनिस्टर रवानों से मुलाकात की थी और उनसे ये मैंने नुमाइंदगी की थी खुर्शीद जिया की जोड़ी को उसका कंजर्वेशन हो, रेस्टोरेशन हो और उसका रिपेयर वर्क हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब KT रामाराव वज़ीर बल्दी नज़ोना MAUD जो मिनिस्टर हैं उन्होंने खुर्शीद जिया जोड़ी के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए 12 करोड़ मंजूर किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अन करीब में इस काम का टेंडर भी हो जाएगा और इस तारीख़ी इमारत जो हैदराबाद की हमारी एक हेरिटेज है उसका रेस्टोरेशन होगा और कंजर्वेशन भी होगा 12 करोड़ की लागत से। तीसरी बात यह है कि लाड़ बाज़ार में जो पूरी दुनिया में एक चूड़ियों के बाज़ार के नाम से मशहूर है वहाँ पर 2 दुकानों का एक फसाद डेवलपमेंट का काम हुआ और उसको काम को देखने के बाद उसकी मंजूरी मिली अल्हम्दुलिल्लाह और 36 लाख की लागत से लाड़ बाज़ार में ये फसाद डेवलपमेंट का वर्क का काम शुरू होगा। 2 दुकानें वहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं और उसको देखने के बाद और तमाम मुतालिका जो स्टेक होल्डर्स है, दुकान के मालिक हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी मंजूरी के साथ ये 36 लाख की लागत से पूरे लाड़ की दुकान है चुनी होती है उनके फसाद का एक ही फसाद में वो काम होगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि चौक मार्केट का भी असरनों काम हो रहा है और अनकरीब में जो चौक मार्केट में जो लोग अपना कारोबार बरसों से कर रहे हैं उनको टेम्पररी तौर पर ओल्ड पेंशन पेमेंट ऑफिस में वहाँ पर शेड डाला गया है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा और वो काम भी इंशाअल्लाह अनकरीब में शुरू होगा। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और हमने जो आवाम से वादा किया था और आवाम ने हमसे जो उम्मीद की थी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन उम्मीद पर उतरें, उन वादों को पूरा करें। रोड वाइडनिंग के भी काम हैं हल्के असम्बली याकूतपुरा में, चार मीनार में अनकरीब में इंशाअल्लाह उन कामों का भी शुरुआत की जाएगी क्योंकि 6-7 महीने के अंदर हमको आवाम के पास जाना है और आवाम को बताना है असम्बली के इंतखाबात होंगे। तो इसलिए ये तमाम रिपोर्ट मैं आपके ज़रिए से हल्के असम्बली चार मीनार की आवाम को और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की आवाम उन्नास को मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।